दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल एडसेंस के पिन को वेरीफाइड कैसे कर सकते हैं। आपका अगर गूगल एडसेंस में अगर $10 हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पर कहेगा कि आप अपने गूगल एडसेंस को वेरीफाइड कर ले। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, किस एड्रेस में मंगाना है। बहुत सारे लोग अप्लाई तो कर देते हैं, उसके बाद उनका गूगल एडसेंस वेरीफाई पिन उनको नहीं मिलता, कहीं चले जाता है। उसके बाद 3 मरतबा उन्हें वेरीफाई मतलब अप्लाई करना पड़ता है। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको एक ही मरतबा में आपके घर तक गूगल एडसेंस वेरीफाई पिन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन उन्हें ही मिलेगा जिनके गूगल एडसेंस में $10 हो चुके हैं। यहाँ पर जैसे आप यूट्यूब ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जब आपको वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पर आपको हाईलाइट में मिल जाएगा, उसके बाद आपको गूगल एडसेंस में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल एडसेंस जब आएंगे, यहाँ पर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। उससे पहले दोस्तों, आपको अपने एड्रेस को कैसे वेरीफाई कर लेना है, मतलब आपके जो एड्रेस को आप मंगाना चाहते हैं वो एड्रेस आपको सबमिट करना है। पहले उसे सेटिंग्स कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स मैनेज सेटिंग्स दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो एड्रेस पे आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको इसमें मोबाइल नंबर कैसे देना है, कैसे आपको घर तक पहुँचाना है अपने गूगल एडसेंस को, यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले अपने एड्रेस को नेम एंड एड्रेस को आप कंप्लीटली आप सेटअप कर ले, मतलब आप डाल दे जिस एड्रेस पे आप अगर मंगाना चाह रहे उस एड्रेस को आप डाल दे। उसके बाद आपको कैसे वेरीफाई करना है तो यहाँ पर आपको एक्शन बटन दिया जाएगा, उसके बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है। जो कि दोस्तों वीडियोस पसंद आती होगी हमारे चैनल में आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर वेरीफाई योर आइडेंटिफाई पर आपको यहाँ पर वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। आपको हाईलाइट में रेड रेड में दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपलोड पे यहाँ पर आपको आधार कार्ड नहीं देना है, क्योंकि आधार कार्ड का अब आइडेंटिफाई यहाँ पर ये नहीं लेता है गूगल एडसेंस। तो आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, पान कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास बहुत सारे लोगों के पास पान कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, इसलिए आप वोटर आईडी का ही इस्तेमाल करें। तो आपके पास अगर कोई भी एक तीनों में से एक चीज़ है, आप उसे भी पान कार्ड है तो पान कार्ड भी डालें, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो 3 ऑप्शन भी है दोस्तों, मैं यहाँ पर दूसरा आपको अपलोड पे आपके जो पान कार्ड का जो फोटो है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चले जाएगा। उसके बाद हमने इसको कर लिया सेलेक्ट, यहाँ पर हमने कर दिया अपलोड। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पर आपको दिखाएगा, आपको यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपने अपना नंबर के एड्रेस का नंबर दे दिया, तो नंबर के साथ एड्रेस देने का फायदा यह होता है कि दोस्तों आपका वेरीफाइड अकाउंट, जब आपका पिन आएगा तो पोस्टमैन आपको एक कॉल कर लेगा, जिससे आपको अपना गूगल एडसेंस का वेरीफाइड पिन मिल जाएगा। एड्रेस नहीं देते, आपका एड्रेस उन्हें नहीं मिलता पोस्टमैन को, तो वो वेरीफाई पिन वहीं का वहीं रह जाएगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप जब नंबर डालेंगे तो नेक्स्ट एड्रेस लाइन में आप अपना नंबर डालेंगे तो वो पोस्टमैन आपको कांटेक्ट कर लेगा, जिससे आपको बहुत आसानी के साथ आपका वेरीफाई पिन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कर देना है सबमिट। अब आपको वेट करना है 10 या 20 30 डेज भी हो सकता है दोस्तों आपको वेरीफाई पिन आप तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सबमिट हो चुका है, यहाँ पर आपको इन प्रोसेस में दिखा रहा है। चैनल में आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेट मिले और वीडियोस बनाने के लिए। बाय।